यू अगेन एंड वेलकम एवरीवन। नमस्कार, मैं सूरज कुमार झा और आप देख रहे हैं बिहार दैनिक न्यूज चैनल। मैं बता दूं, अभी हमारी उपस्थिति जो है खगड़िया जिला अंतर्गत पड़ने वाली राटन पंचायत में, राटन पंचायत या वार्ड जो हो गया ना, और राटन में है। राटन के उच्च माध्यमिक, क्या बोले इसको, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय राटन, हाँ राटन में उपस्थिति है हमारे। हमारे साथ जो है हमारे राइट साइड में प्रधानाध्यापक है इस विद्यालय का, और सर क्या नाम है आपका? प्रभास कुमार। प्रभास कुमार जी हैं। और इस विद्यालय में आने के बाद, जैसा कि इससे पहले हम संजीव कुमार जी विधायक जी जो हमारे इस क्षेत्र के हैं, और जैसा कि स्कूल घूमने के बाद पता चला, वो अपने मुख से तो बताए नहीं, हमको जानकारी भी नहीं थी इस बात की, जो जितने भी उच्च स्तरीय विद्यालय हैं और उसके अध्यक्ष विधायक जो होते हैं, जो पद विधायक के पद पर होते हैं, वही अध्यक्ष होते हैं, तो उनके सामने हमने सवाल रखा था सरकारी विद्यालय का, सरकारी विद्यालय की स्थिति पे। तो हमारे साथ हमारे बड़े भाई समझ लीजिए, जो न्यूज 18 के पत्रकार अमित जी भी थे वहाँ पे मौजूद, और वो वीडियो अभी अपडेट नहीं हुआ है चैनल पे, तो हम अपडेट करेंगे। उसके बाद हमारे विधायक जी से सवाल होगा, और इसी वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो अभी इस विद्यालय में हम उपस्थित हैं सर, इसमें आप मध्य विद्यालय और हाई स्कूल दोनों चल रहा है, इंटर भी है सर, प्लस टू का नहीं है ना, नाइन्थ टेंथ और मध्य विद्यालय दोनों चल रहा है। इस विद्यालय में जो अभी अति आवश्यक चीज़ है, जो हमको हमारे दृष्टिकोण से और सर से बात करने के बाद पता चली, वो है जो इसमें सबसे ज़्यादा जो है शिक्षक का अभाव है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे हमारे पीछे जो अब जिस क्लासरूम में हम अभी हैं, वो नाइन्थ का क्लास है, और नाइन्थ और टेंथ में सिर्फ मात्र एक शिक्षक है, एक ही ना, हाँ मतलब इसी स्कूल के एक शिक्षिका डिपूट है, हाँ एक शिक्षिका इसी स्कूल के डिपूट है। मतलब कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप लोग, क्या कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं टोटल? 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हाँ अलग अलग, साइंस में तो तीनों आ जाता है ना, सोशल साइंस, SST मैथमेटिक्स, ये अभी पढ़ाई कंटिन्यू चल रहा है। और उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट के सर नहीं है आपके पास? इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और उसके बाद अभी सर पढ़ा लेना, मजबूरी में अब कुछ भी हो सकता है, मजबूरी में एक ही सर 4 क्लास ले सकते हैं, मजबूरी इस स्कूल में जो आवश्यकता है सबसे अधिक शिक्षक की है। अगर ये वीडियो हमारे विधायक जी देखते हैं, हम तो उनको लिंक शेयर करेंगे ही, तो इस पर ध्यान दें और इस विद्यालय पर खास करके ध्यान दें, क्योंकि यहाँ जब हमको पता चला, जो सर से बात करते करते हम यहाँ की मतलब स्टूडेंट का मतलब गिनती पता किए, जो सर कुल कितना स्टूडेंट आपके स्कूल में है, तो शिक्षक टोटल 10 हैं, हाई स्कूल मिडिल स्कूल दोनों मिला के, एक डिपूट है किसी और स्कूल से, एक टोला सेवक भी हैं, एक टोला सेवक तो इधर हाल में उनका जो है यहाँ पर स्थानांतरण हुआ है, हाँ एक टोला सेवक है, उनका स्थानांतरण यहाँ पे हाल फिलहाल हुआ है, तो अब वो अभी नए लेवल से आ रहे हैं, नए तौर तरीके से आएंगे, वो मध्य विद्यालय में ही रहेंगे, टोला सेवक का तक का तो मध्य विद्यालय में ही काम है। तो हाई स्कूल अगर इस स्कूल को बनाए हैं आप, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ मतलब अति आवश्यक जो होता है, जो मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो जो है शिक्षक का है। इस स्कूल में शिक्षक की पूर्ति करें, तभी हमारे जो ये पीछे सुनहरा भविष्य जो हमारा बिहार का जो ये दिख रहा है, इसमें कुछ बदलाव होगा और इन लोगों का भविष्य स्वर्णिम होगा, नहीं तो फिर ये प्राइवेट कोचिंग रख रहे हैं, समक्ष रख रहे हैं। इस विद्यालय में सबसे ज़रूरी चीज़ शिक्षक का है। फिर से हम बता दें, जो राटन में विद्यालय स्थित है, एकदम सड़क किनारे है, जो कि मतलब महसकुट से घोघरी को जाती है, और लेफ्ट साइड में रहते हैं, महसकुट से आएंगे तो आप लेफ्ट साइड में विद्यालय स्थापित है, मिडिल स्कूल हाई स्कूल दोनों है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो विद्यालय का है वो हम आपको दिखाएंगे, वो काफ़ी बेहतर है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षक भी सभी सुयोग्य है, लेकिन अभाव के कारण हमारे जो कल के भविष्य हैं, उनके भविष्य में कहीं ना कहीं रुकावट बन रहा है यह शिक्षक का अभाव। तो हम अपने विधायक महोदय से, चाहे उनके भाई MLC राजीव कुमार सिंह हैं, अगर वो कुछ कर सकते हैं इस विद्यालय के लिए, तो इस विद्यालय में शिक्षक को दें। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ मैं सूरज कुमार झा विदा लूंगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
सब कुछ मस्त है, बस शिक्षक का अभाव है और कुछ नहीं बस। अभी तो लंच टाइम भी हो गया होगा। लंच टाइम अब हम यही वाला घर मेरा जो है रसोई घर भी आपको दिखाते हैं जी।